प्यारे बच्चों, दी हुई तस्वीर में गांव में पाई जाने वाली सहूलतें नज़र आती हैं। अवामी खिदमात और सहूलतें हमें हमारे ज़रिए अदा किए गए टैक्स से ही मुहैया की जाती है, इसलिए हमें एहतियात के साथ इनका इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये कभी कभी अवामी सहूलतों पर बहुत बढ़ जाता है, लेकिन हम मिलजुल कर ये मसला हल कर सकते हैं। पानी की फरहमी और अवामी सफाई की खिदमात मकामी हुकूमत के ज़रिए मुहैया की जाती है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा सहूलतों की ज़रूरत होती है। अपने गांव में आपने बैंक देखी होंगी, आपके वालिदैन खर्च के बाद बचने वाली रकम बैंक में रखते हैं। बैंक में अपना पैसा महफूज रहता है, रुपयों की बचत होती है, ज़रूरत के वक्त अपने बैंक से निकाला भी जा सकता है। ज़रूरतमंद लोगों को ये बैंक कर्ज भी देती है। प्यारे बच्चों, रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ता कायम करने के लिए डाक की खिदमात हासिल की जाती है। हम दुनिया भर में किसी भी जगह डाक के ज़रिए खत भेज सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि इमदाद बहामी अदारे किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम किसी भी इलाके में जमा होकर ये मालूम करते हैं कि यहाँ की मकामी ज़रूरतें क्या हैं। इसके मुताबिक ये तय करते हैं कि आपसी ताउन से कौन से कारोबार या सनतें कायम की जाए। इन सनतों या कारोबार को कायम करने के लिए हम अपने पास मौजूद रुपया इकट्ठा करते हैं और फिर इन सनतों या कारोबार से हासिल होने वाला मुनाफा आपस में तकसीम कर लेते हैं। लोगों के बाहमी ताउन से कायम किए गए ये अदारे हमें इमदाद बाहमी अदारे कहलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 400 साल पहले डाक का निज़ाम किसी तरह चलता था। गोलकुंडा में 2-3 मील के फासले पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ हुआ करती थी। पहली झोपड़ी में एक हरकारा यानी डाक ले जाने वाला शख्स मौजूद रहता था। पहला हरकारा डाक का पहला